नमस्कार दोस्तों, पिनेकल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एप्टीट्यूड टेस्ट के रिगार्डिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि कैंडिडेट्स के होते हैं। तो ऐसे ही कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का जवाब आरआरबी ने अपने नोटिस में दिया है, तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो सवाल। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, एप्टीट्यूड टेस्ट इज एप्लीकेबल टू विच पोस्ट ऑफ एनटीपीसी एग्जाम, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट कौन सी पोस्ट के लिए होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होने वाला है वो दो पोस्ट के लिए होने वाला है, एक तो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और दूसरी है ट्रैफिक असिस्टेंट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट विल बी द मोड ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट का मोड क्या होगा, वो ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पे आरआरबी ने जवाब दिया है, एप्टीट्यूड टेस्ट इस बार होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसे आपका प्री हुआ था, मेंस हुआ था आरआरबी एनटीपीसी, इसी तरह आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा कंप्यूटर पे। तीसरा क्वेश्चन है, वेदर ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट बाय आई स्पेशलिस्ट इज कंपलसरी टू अपीयर इन एप्टीट्यूड टेस्ट, क्या एक आई स्पेशलिस्ट से मेडिकल सर्टिफिकेट लेना जरूरी है एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठने के लिए। तो जी हाँ, एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेना होगा आई स्पेशलिस्ट से, वो भी ओरिजिनल में, जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठने नहीं दिया जाएगा, और उस पर एक आपको कलर फोटो भी पेस्ट करनी है, जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट होगा आपको। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब जो एप्टीट्यूड टेस्ट में कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो कितने टाइम्स होंगे वैकेंसीज के। तो यहाँ पे आरआरबी ने जवाब दिया है, उसके 8 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज शैल बी कॉल्ड फॉर, तो जितनी भी वैकेंसी होगी उसके 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। पांचवा सवाल यहाँ पे है, हाउ द मेरिट विल बी ड्रॉन फॉर द पोस्ट ऑफ एएसएम एंड ट्रैफिक असिस्टेंट, मेरिट किस तरह बनाई जाएगी एएसएम की और ट्रैफिक असिस्टेंट की। तो मेरिट यूं बनाई जाएगी, 70% यहाँ पे जो आपका मेंस एग्जाम हुआ था उसके नंबर जुड़ेंगे, और 30% यहाँ पे जो आप एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे उसके नंबर जुड़ेंगे, तो टोटल 100 में से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। छठा सवाल यहाँ पे है, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट की ड्यूरेशन क्या होगी, यानी कितने समय का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा 84 मिनट्स का, यानी 1 घंटे 24 मिनट का। सेवंथ क्वेश्चन यहाँ पे है, वेदर डेमो लिंक ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट इज अवेलेबल फॉर एस्पायरिंग कैंडिडेट्स, क्या कोई एक ऐसा डेमो लिंक है जहां से कैंडिडेट्स देख सकते हैं किस तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा। तो जी हाँ, ये नीचे एक लिंक दिया है आरआरबी ने, इस पर आप जाकर एप्टीट्यूड टेस्ट का डेमो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी ये मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स द कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉर अपीयरिंग इन द एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट में अपीयर करने के लिए कैंडिडेट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे चाहिए एक कॉल लेटर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का, एक रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, जो भी आरआरबी का कॉल लेटर है उस पर आपको लगानी पड़ेगी, एक ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए जो कि मैंने पहले बताया है, और उसका जो भी प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा होगा बाय आई स्पेशलिस्ट विद सिग्नेचर एंड स्टैम्प अलोंग विद पेस्टिंग ऑफ ए रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट ऑन स्पेसिफाइड प्लेस एंड अटेस्टेड बाय आई स्पेशलिस्ट, और एक ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होना चाहिए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड एक्सेट्रा। नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट का एक प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा क्या होगा। द प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा फॉर द मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी गिवन बाई आई स्पेशलिस्ट इज मेंशन्ड इन एनेक्सर 9th ऑफ सेन नंबर 3, 2015, ए कॉपी ऑफ विच विल बी अवेलेबल अलॉन्ग विद ई कॉल लेटर। तो जो भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का कॉल लेटर होगा उसके साथ एक जो भी प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा है मेडिकल सर्टिफिकेट का वो कॉल लेटर के साथ आएगा। 10th क्वेश्चन यहाँ पे है, वेदर सेकंड चांस में बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु रिमेंड एब्सेंट इन एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये तो बिल्कुल ना है, अगर कोई एब्सेंट होता है तो उसको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। धन्यवाद।